19 जनवरी यानी आज का दिन भारतीय टीम के दो पूर्व दिग्गज बल्लेबाजों के लिए बेहद खास है। आज ही के दिन 2017 में युवराज सिंह ने पूरे 6 साल बाद अंतरराष्ट्रीय शतक लगाया था। कैंसर से उभरने के बाद उन्होंने अपने करियर की ये सर्वश्रेष्ठ पारी खेली। ये उनके करियर का आखिरी वनडे शतक भी था। इस मैच में सिर्फ युवराज सिंह ने ही नहीं बल्कि महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपना आखिरी शतक लगाया था। इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई इस पारी की अहमियत यह है कि युवराज सिंह ने उस दिन को याद करते हुए अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कई तस्वीरें शेयर की। युवराज ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने करियर की सर्वोच्च 150 रनों की पारी खेलकर सेलिब्रेशन करने के दौरान खींची गई तस्वीरों को याद करते हुए लिखा, कभी हार मत मानो। जिसके बाद क्रिकेट के प्रशंसक 2011 विश्व कप के इस हीरो को याद करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस मैच में धोनी और युवराज की जोड़ी ने जमाया था रंग और बनाया था अपना आखिरी शतक। आइए नजर डालते हैं उस कहानी पर। 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने भारत दौरे पर आई इंग्लैंड की टीम ने दूसरे वनडे मुकाबले में कटक के स्टेडियम पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, जिसके बाद पारी की शुरुआत करने गए सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और शिखर धवन ने जल्द ही अपना विकेट खो दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान विराट कोहली, जिन्होंने 8 रन पर ही अपना विकेट खोया। 4th नंबर पर बल्लेबाजी करने आए युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी ने 256 रनों की विशाल साझेदारी कर इंग्लैंड टीम को बैकफुट पर ला दिया। इस दौरान युवराज सिंह ने 127 गेंदों पर 150 रनों की धमाकेदार पारी खेली। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने भी 122 गेंदों पर 134 रन बनाए, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में 381 रन का विशालकाय स्कोर खड़ा कर दिया। इस मैच में लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम के कप्तान इयान मॉर्गन के शतक और सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय के 82 रनों के बावजूद इंग्लैंड टीम को हार का सामना करना पड़ा था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।